तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पेंसिल को इस तरह कैसे साफ़ करना है। ये बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि आपके पास पुराना कटर होगा तो उसे आप अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि पुराना होने से ये यूज़ नहीं किया जा सकता और इसे हम बड़ी आसानी से इसे छील सकते हैं। तो इसके नट को हम कैंची के सहारे या फिर कुछ भी करके निकाल लेंगे। ये तो काम का नहीं है, बट ये ब्लेड इसका काम का है, क्योंकि इससे ही हम लोग इसे साफ करेंगे। और चलो चलते हैं इसको साफ करने के लिए। आपको पेंसिल को ऐसे पकड़ना है और उसके बाद यहाँ पे से रखना है, फिर इसको आगे की ओर ढकेलना है ऐसे करके। ऐसे ही करते जाएंगे, फिर ये छिल जाएगा। इसको आराम आराम से करेंगे ताकि ये टूटे ना। उसके बाद आपको कोई सा भी सैंड पेपर लेना है और उसको हाथ से फिर किसी चीज़ में रख कर इस तरह रगड़ना है। इस तरह रगड़ने का मतलब ये कुछ इस प्रकार नुकीला हो जाएगा, फिर इससे आप अच्छे से शेडिंग कर पाओगे। आप लोगों को ये ध्यान से करना होगा, क्योंकि आप इससे ज़्यादा दबाओगे तो ये टूट सकता है, इसलिए हल्के हाथों से इसे रगड़ना है ताकि टूटे ना। उसके बाद ये इसका पाउडर किसी चीज़ में कर लेंगे, जो कि मैं बहुत दिनों से साफ कर करके इसमें रख रहा था, तो मैं इसमें कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आपका पेंसिल जो है वो साफ हो चुका है। और इसका यूज़ भी मैं बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है, इस तरह न रख के ऐसा क्यों छिला जाता है। इसके फ़ायदे भी बताऊँगा, जो इससे नहीं किया जा सकता वो इससे किया जा सकता है। चलो चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको बताने के लिए दो डिब्बे बना लिए हैं, जिसमें मैं ब्लेंडिंग करूँगा और शेडिंग करूँगा, तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि क्या फ़ायदा है इससे। सबसे पहले हम जो कटर से साफ़ किए हैं उससे करेंगे, ब्लेड से साफ करने वाला पेंसिल का यूज करेंगे। तो इसका फायदा ये है कि अब इसको जितना नुकीला रखेंगे इसका टेक्सचर उतना ही फैलेगा, और ये कटर से छीलने के बाद इसका टेक्सचर कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन इससे ही बिगड़ जाता है कि कहीं डार्क दिख रहा है तो कहीं लाइट दिख रहा है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। इसलिए हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं इसको छीलकर, और इसको मैं ब्लेंड करके भी बताता हूँ। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें पता चल जा रहा है पेंसिल, और ये पूरा बराबर है, कहीं तरफ ज़्यादा ना कम, और इस पर यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। ये मैं खुद से नहीं कर रहा, ये पेंसिल से हो रहा है, क्योंकि ये इन कटर से किया हुआ साफ है। इससे कि सिर्फ लिख सकते हैं, आउटलाइन बना सकते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग और शेडिंग का काम नुकीला पेंसिल का होता है, तो हम लोग इसी की यूज़ करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि पेंसिल को आपको कैसे साफ करना है, और इससे कई सारे फायदे भी मैंने बताए हैं, जैसे शेडिंग और ब्लेंडिंग का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।